ख्वाबों के समंदर में ख्वाहिशें नाव की तरह हिचकोले मारती रहती हैं, लेकिन जब तक कोई किनारा नहीं मिल जाता तब तक हर इंसान एक नए सफर पर चलता रहता है ताकि जिंदगी की कश्ती को अपनी मंजिल मिल सके। नागालैंड में आई वाज स्टडीइंग एंड देन आफ्टर दैट लाइक 2013 को मैं पुणे आए इन सर्च ऑफ जॉब्स। जब मैं पहली बार पुणे आई थी तब आई वाज वर्किंग इन अ होटल इंडस्ट्री लाइक एज अ रिसेप्शनिस्ट एंड देन आफ्टर दैट आई change multiple jobs in Pune. I met him on 2013 and then like he came back after 6 months and then we got into relationship and I was with him from last 10 years. 10 years? Yeah. And then like what was my dream was to get married to him, settle down and but then it doesn't work out like maybe किस्मत में नहीं था हमारे साथ। अब मैं खुद के बारे में सोच रही हूँ। I want to you know like खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ। एक ऐसी ही कहानी की मुख्य किरदार है जेसिका, जो नागालैंड से पुणे आई ताकि अपनी आमदनी बढ़ा सके, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाले दौर में खुद कमाकर और परिवार का खर्चा चलाना कोई मामूली बात नहीं। इसी के कारण तो जेसिका ने अपने बहुत से ख्वाबों पर ताला लगा दिया था ताकि वो अपने परिवार के लिए जी सके। लेकिन जेसिका के सपनों की चाबी नेहा महाजन के पास थी और इस सफर में साथ मिला SBS का, यानी कि सास बहू और साजिश का। कि सिर्फ नाम ही सुने, मतलब उनके बारे में सुना है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बट आज मिलके बहुत अच्छा लगा। शी इज़ सुपर नाइस, सुपर क्यूट एंड लाइक जैसे टीवी में देखते हैं वैसे रियलिटी में भी इतना ब्यूटीफुल है। आज मैंने इनके लिए काफ़ी सारे सरप्राइजेस प्लान कर रखे, तो इसके बाद जैसे कि हम जा रहे हैं सैलॉन सेशन पे इनकी थोड़ा सा पैम्परिंग कराने के लिए। फिर शुरू हुआ जेसिका का मेकओवर, क्योंकि जेसिका हमेशा फैशन की दुनिया से काफ़ी प्रभावित रही हैं। KR Advani का बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मुझे आज ये लुक देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच टू नेहा मैम एंड थैंक यू सो मच टू फॉरएवर 52 ये अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए। एंड आई एम सो हैप्पी लाइक टुमारो, लाइक फॉर टुमारो आई एम सो एक्साइटेड कल क्या होने वाला है। मुंबई सपनों की नगरी है और यहाँ हर मेहनत करने वाले का सपना जरूर पूरा होता है, जैसे कि जेसिका का सपना पूरा हुआ अलीशा पनवर से मिलकर। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आपके शोज देखे हैं, इश्क में मर जाओ एंड यू आर सो प्रीटी लाइक जैसे टीवी में देखते हो सच्ची में भी वैसी हो, बहुत सुंदर। मैं आपसे यही कहूँगी कि इसी हमारी लाइफ में ना कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिन्हें हम बहुत चेरिश करते हैं, सो आई थिंक दीज 3 डेज यू गॉट फॉर योर सेल्फ लाइक यू नो ये दिन आपके अपने थे और इन दिनों को आपसे कोई नहीं छीन सकता। दीज वर फॉर यू, लाइक यू मस्ट हैव फेल्ट सो स्पेशल एंड सो नाइस एंड सो प्रिटी एंड एवरीथिंग। यू आर प्रिटी, यू शुड एवरी डे फील प्रिटी, यू एक्चुअली आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, लेकिन आई थिंक ये दिन आप हमेशा याद रखिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि इन फ्यूचर अगर हम में से कोई भी कभी भी किसी की भी छोटी सी किसी तरह से हेल्प कर सकता है तो ज़रूर कीजिए, जस्ट यू नो पे इट फॉरवर्ड, लेट्स डू दैट। एंड अभी आपने 3 दिन में कम ही मुंबई देखा होगा, मैं कहती हूँ आप दोबारा आइए फिर आपको मैं मुंबई घुमाती हूँ। जेसिका अपने ये 3 दिन कभी नहीं भूल पाएंगी, क्योंकि ये 3 दिन न सिर्फ मुंबई में गुजारे हैं बल्कि हर एक लम्हे को इन्होंने जिया है। ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।